हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नेनुआ की बनने वाली बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी। तो इसे आप एक बार बना के खाएंगे तो ज़रूर ये आपको पसंद आएगी। तो इसके लिए हमें लेना है नेनुआ, फिर इसको हम छील लेंगे और छील कर इसके सारा छिलका उतार लेंगे। तो इस तरह से छिलना या चाकू की सहायता से हम सारे छिलके निकाल लेंगे। फिर उसके बाद ये आगे और पीछे वाला हिस्सा भी काट के निकाल देंगे। फिर हम इसको बीज से काट लेंगे और बीज से काटने के बाद इसको लंबे लंबे टुकड़ों में भी हम काट लेंगे। तो इस तरह से इतने बड़े बड़े टुकड़े में इसे हमें काट लेना है। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया है। तो चलिए अब आगे देखते क्या करना है। तो हमें लेना है ये भुनी हुई मूंगफली, 2 से 3 चम्मच लेना है। फिर उसके बाद हम इसको खल में डाल के इस तरह से कूट लेंगे। हमें इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस ऐसे ही दर दरा इसको कूट लेना है। फिर उसके बाद एक बर्तन में इसको निकाल के अलग रख देंगे। तो इसको डालने से जो हमारी रेसिपी बनने वाली है वो बहुत ही टेस्टी बनेगी, तो इसे हमें ज़रूर डालना है। तो अभी इसको हम रखेंगे साइड में और लेंगे एक कढ़ाई। फिर इसमें हम डालेंगे तेल, तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब राई। फिर इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब जीरा। और जब ये दोनों चटकने लगेंगे तो फिर हम इसमें डाल देंगे प्याज और लहसुन का पेस्ट। तो अब हम इसको अच्छे से चला देंगे। और प्याज का कच्चापन दूर होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। जब प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे दरदरी कुटी हुई मूंगफली। तो इसको हम इसमें डाल के इसको भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो बस 1 मिनट के लिए इसको ऐसे ही चलाना है। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मैं अब इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच, इसमें डाल देंगे हम धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, फिर 1 चम्मच हम डाल देंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो अब हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसको भी भून लेंगे, बस 1 से 2 मिनट के लिए। फिर जब ये मसाले अच्छे से भून जाएंगे फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। और टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हम टमाटर को भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो 1 से 2 मिनट के लिए हमें टमाटर के पेस्ट को भी हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो उसके बाद हम इसे डाल देंगे कटे हुए नेनुआ। तो सारा हम इसमें डाल देंगे। फिर डालने के बाद इसको हम चलाएंगे। तो इसको हम चम्मच से चलाते हुए अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो सब्ज़ी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे 1/4 गिलास पानी। हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि ये नेनुआ भी काफ़ी पानी छोड़ता है, तो हम थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। फिर उसके बाद डाल देंगे हम इसमें 2 चम्मच नमक। फिर इनको मिक्स कर देंगे हम। फिर इसको मिक्स करने के बाद हमें इसको ढक के पका लेना है 5 से 10 मिनट तक। तो ये देखिए, मैंने ढक दिया है। अब इसमें ढक्कन हटाएंगे
फिर चेक करेंगे ये सब्ज़ी पक गई कि नहीं। तो पहले इसको हम चला देंगे। तो ये देखिए अभी ये अच्छी तरीके से नहीं पकी है, तो इसको हम थोड़ा सा और पकने देंगे। जब ये अच्छी तरीके से पक जाएगी तब हम गैस को बंद कर देंगे। तो ये लीजिए, नेनुआ की मसालेदार स्वादिष्ट सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है। तो यकीन मानिए ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इस तरह से बना के ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।